हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से क्रिस्पी नाश्ता। उसके लिए हमने एक बाउल आटा ले लिया है, उसे मिक्सी में डाल लेंगे और एक हमने आलू को काट कर धो लिया है अच्छे से, इसे भी इसमें डाल लेंगे। एक करी पत्ता कर लिया है अपने, एक जो डंठल होता है ना उसको ले लिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हमने मिर्ची लिया है। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो कम मिर्च ले सकते हैं। और 1 स्पून, छोटा स्पून मैंने चीनी ले लिया है। चीनी डालने से मीठा नहीं होगा, बस टेस्ट अच्छा आ जाता है। नमक हमने ले लिया। अब इसे हम पीस लेते हैं। इसमें पानी नहीं डालना है, आलू में पानी होता है ना उसी से मिक्स हो जाएगा। अगर पानी डालेंगे तो ज़्यादा गीला हो जाएगा बैटर, इसलिए देख अगर कम पानी लगे तो इसमें थोड़ा सा दही डाल लें। ये हमने इसको पीस लिया है। इसमें मेरे को 1/2 कप दूध लगा, दही नहीं है तो दूध भी डाल सकते हैं। इसका घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया। अब चलते हैं कढ़ाई की ओर। ये हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें हम 1-2 चुटकी हींग डाल लेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल लेंगे, इसे तड़कने देंगे। ये जले ना, इसमें हम 1 कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं करना है, इसे बड़ा ही टुकड़े में काट लेंगे। इसे 1 मिनट भून लेंगे। इसे हमने 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, ढकेंगे नहीं, ऐसे ही सॉफ्ट होने देंगे। ये हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। इसमें अब हम 5 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। और हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब इसे भी 1-2 मिनट तक पका लेते हैं। इसमें अब हम 1/2 चम्मच सौंफ डाल लेंगे, इसे भी चला लेंगे। और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। इसे अच्छे से थोड़ा देर पका लेते हैं। अब इसमें हम मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली हमने रोस्ट कर लिया था, ऐसे लास्ट में ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसे डालकर 2 मिनट और पका लेते हैं। इसे हमने 2 मिनट पका लिया है। इसे अब हम बंद कर लेंगे। इसमें अब हम ट्रांसफ़र कर लिए। अब इसमें नारियल का बुरादा 2 चम्मच डाल लेंगे। इसमें 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला डाल लेंगे और इसमें 2-3 चम्मच पानी डालकर हमने पीस लिया है। इसके तड़के के लिए हमने
डब्बों को गरम कर लिया, इसमें ऑयल डालकर वाल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। इसमें अब हम हींग डाल लेंगे और हाफ टेबल स्पून ये काली सरसों जो होती है राई बोलते हैं वो डाल लेंगे, और 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर, जीरा खड़ा जीरा और कड़ी पत्ता डालकर इसमें तड़का लगा लेते हैं। ये हमारा चटनी में तड़का लग गया। यह हमारा चटनी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। एक तरफ हमने पैन चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अब इस घोल में जो जो मिला मिक्स करना है हमें मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, हाफ टेबल स्पून खड़ा जीरा, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 गरम मसाला और 1/4 लाल मिर्च पाउडर इन सब। और हम इसमें चावल का आटा 1 से 2 चम्मच डाल लेते हैं, इससे कुरकुरा मुरमुरा बनेगा। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमने गैस पे पैन गरम करके उसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल गरम हो जाएगा, इसमें डालकर चेक कर लेते हैं गरम हुआ कि नहीं। अभी थोड़ा सा और गरम होगा। ये हमारा ऑयल गरम हो गया है। आप इस चम्मच की सहायता से आप बड़ा वाला थोड़ा इससे ले सकते हैं, हम छोटा छोटा साइज में ही बना रहे हैं। इसे भी चलाएंगे नहीं जब तक ये एक तरफ से ऊपर आ जाएगा, जब ये फूल कर फिर इसे पलट लेंगे। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट एक शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नया रेसिपी आप तक पहुंच सके। अब इसे ऊपर आने देते हैं, इसी तरह से खुद से ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ऊपर आ रहा है। ये देखिए हमारा सारा ऊपर आ गया है, ऊपर तेल के ऊपर तैर रहा है। इसे थोड़ा सा एक तरफ से क्रंची होने देंगे, उसके बाद इसे पलट लेंगे। ये हमने इसे पलट लिया। अब इसे इधर भी क्रंची होने तक फ्राई कर लेते हैं, फिर इसे निकाल लेंगे। ये हमारा खर हो गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह और भी हम बना लेते हैं। ये हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया। देखिए कितना खस्ता हुआ है, ये कितना आवाज़ कर रहा है खर खर। और ऐसा नहीं है कि कड़ा है, ये एकदम सॉफ्ट है। देखिए ये बहुत गर्म है ऊपर वाला, एकदम सॉफ्ट है। इसे इसको तोड़िए और इसके साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आप बनाकर देखिए, और अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।